हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हो गया दोस्तों। एंटी टोकन जो कि नेपच्यून कोर टीम में बहुत ही गजब का अनाउंसमेंट प्रोवाइड कर चुकी है। अब इन्होंने कुछ बैलेंस आपका रिलीज़ किया है जिसको आप विड्रॉल या एक्सचेंज करेंगे। तो दोस्तों, आप विड्रॉल कहां पर करेंगे और आप एक्सचेंज किस तरह करेंगे, इस वीडियो के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी दोस्तों। अब आपके जो डाउट थे, जो आपके सवाल थे, वो कहीं ना कहीं नेपच्यून कोर टीम ने पूरे करने की कोशिश करी है। तो चलिए, वीडियो में आपको बने रहना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो ट्रोन वॉलेट है, ट्रोन वॉलेट को ही ओनली सिर्फ सपोर्ट करेगा। अगर आपका कॉइन रिलीज हो गया और आपने कहीं और विड्रॉ ले लिया तो वो कॉइन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वाली बात आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। और इस टोकन को आपको सर्च करने के बाद यहाँ पर जाएंगे, सर्च कर लेंगे, एंटी टोकन आ जाएगा, वरना कॉन्टैक्ट एड्रेस से आप इसको ऐड कर लेंगे इस वाले वॉलेट में। अगर आप इसको विड्रॉ लेना चाहते हैं इस वॉलेट के अंदर, तो इस वॉलेट में भी आप इसको विड्रॉल ले सकते हैं। अगर आप इसको एक्सचेंज करेंगे वॉलेट के अंदर, तो आपका जो है यहाँ पर फीस लगेगा दोस्तों। ठीक है, फीस लगेगा अगर आप यहाँ पर एंटी टोकन को यूएडीटी में कन्वर्ट करेंगे तो। ठीक है, तो आपको क्या प्रोसेस करना है, ये वाला जो वीडियो है आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों। आप यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपका एंटी टोकन यहाँ पर है। ठीक है, अभी इन्होंने एक इंटरफेस यहाँ पर दे रखा है एक्सचेंज का। तो एक्सचेंज के बटन पर जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपका कॉइन यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, आपका कॉइन यहाँ पर दिखेगा और जो यूएडीटी है वो यहाँ पर आपको शो करेगी। तो कुछ परसेंटेज आपका यहाँ पर रिलीज़ किया गया है, आपका पूरा बैलेंस ये रिलीज़ नहीं करेंगे, सिर्फ विश्वास बनाने के लिए ये बैलेंस को रिलीज़ करे हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, एक यहाँ पर इन्होंने गाइडलाइन एंड ये पीडीएफ भी है। तो इस पीडीएफ पे अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे, तो इन्होंने यहां पर सेल का दिया है और यहां पर बाय का दिया है और आइटम दिया है। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन अभी यहां पर अपग्रेड होगा। अगर आपने अपना एनटीएफ को अपग्रेड नहीं किया, तो सबसे पहले आप उसको अपग्रेड करेंगे, एपीके फाइल आप लोडिंग करेंगे और एपीके फाइल को आप यहां पर चलाएंगे, क्योंकि एपीके फाइल जो रहेगी उसी में आपको ये जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। कभी आप यहां पर सोचो आपने प्ले स्टोर से लोडिंग किया होगा, तो उसमें आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आपको इनका एपीके फाइल वो लोडिंग करना है। उस वो लोडिंग करने के बाद उसमें अपना लॉगिन कर लेना है, आईडी पासवर्ड तो आपके पास होगा। अब आपको ये प्रोसेस कैसे करना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा एंटी टोकन पर, आपको क्लिक करना है। जितना भी आपके पास आपका अमाउंट होगा, उस अमाउंट का ये यहाँ पर 5% या 2% आपका रिलीज़ किया होगा इन्होंने। अब वो उसका पता आपको कैसे लगेगा दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको यहाँ पर एक्सचेंज का मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र के बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब जब ट्रांसफ़र के बटन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो बैलेंस है वो पर शो करने लगेगा। और पिछली बार जब मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड करी थी, तो ये बैलेंस नहीं था। ठीक है, मैंने कोई इसमें डिपॉजिट डिपॉजिट कुछ भी नहीं किया है दोस्तों, बिल्कुल इनकी तरफ से ये यहाँ पर मुझे ओपन किया गया है बैलेंस। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मैक्स के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर मैक्स के बटन पर क्लिक कर देंगे, तो आपको यहाँ पर जो ट्रोन वॉलेट है, ट्रोन वॉलेट का यहाँ पर जो एंटी टोकन है, एंटी टोकन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर इसका रिसीविंग एड्रेस चाहिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर रिसीविंग एड्रेस पर क्लिक करेंगे। अब इस एड्रेस को आपको कॉपी करना है। ठीक है, धीरे से दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा, आएंगे एनटीएफ के अंदर। जब आप एनटीएफ के अंदर आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है इसको पेस्ट कर देना है। अगर आप इसको विड्रॉल लेना चाहते हैं एनटी कॉइन में या फिर ट्रोन वॉलेट में, तो आप यहां पर इसको विड्रॉल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप यहां पर कंफर्मेशन इसको देंगे, तो ये आपका आईडी पासवर्ड या जो भी आपने यहां पर सिक्योरिटी पर्पज़ के वजह से यहां पे पासवर्ड बनाए होंगे, उन पासवर्ड को मांगेगा। जैसे कि मैं यहां पर क्लिक करता हूँ, तो ये गूगल ऑथेंटिकेटर पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो मैंने दोनों यहाँ पर इनेबल कर रखे, तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब जैसे कि आपको एक्सचेंज अगर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज का ही बटन इन्होंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, आप यहां पर देखेंगे एक्सचेंज, एक्सचेंज के बटन पर आप यहां पर क्लिक करेंगे, तो आपका यूएडीटी एंड यहां पर एंटी टोकन का एक पैर इन्होंने यहां पर दे दिया है, आपको यहां पर देखने के लिए आ रहा होगा दोस्तों। और मेरा मैक्स बैलेंस यहां पर आ रहा है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे वॉलेट में आप देखेंगे यूएडीटी बिल्कुल भी नहीं है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं यूएडीटी नाम के लिए भी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल जीरो है। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको एक्सचेंज करके देखता हूँ कि ये यहाँ पर हो भी पाता है या नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, एक्सचेंज के बटन पर क्लिक करेंगे। अब पूरा अमाउंट यहाँ पर आप मैक्स के बटन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ पर एक एंटी टोकन में आपको कितना यूएडीटी मिलने वाला है, तो उसका जो इंटरफेस है इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, एक्सचेंज के बटन पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सक्सेस हो चुका है दोस्तों एक्सचेंज, बिल्कुल यहाँ पर आपके सामने सामने हमने यूएडीटी में कन्वर्ट कर लिया एंटी टोकन को। तो दोस्तों अब यहाँ पर मेरा जो बैलेंस है वो जीरो हो गया, आपको देखने के लिए आ रहा होगा, और यहाँ पर यूएडीटी भी जीरो दिखा रही है। तो अब मैं चलिए वॉलेट पर चलता हूँ। वॉलेट पर जब मैं यहाँ पर गया तो दोस्तों मेरे वॉलेट में अब यहाँ पर यूएडीटी आ चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल लाइव आपके सामने करके दिखा है, यूएडीटी भी आ चुकी है। अभी इस यूआईडीटी को आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और इनकी जब यहाँ पर आपको परमिशन मिलेगी इसको, तभी आप यहाँ पर आउट ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वरना अभी यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो चलिए फिर भी हम यहाँ पर इसको ट्रांजैक्शन करके देख लेते हैं, जैसे कि ट्रांजेक्शन का ये वाला इंटरफेस है। तो दोस्तों अब ये ट्रोन जो ट्रोन चैन है उसी पर आपको विड्रॉल करने वाले, तो आपको क्या करना है, ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क जिसमें भी आपका ट्रोन वॉलेट में यूआईडीटी होगा, तो दोस्तों वो वाला यूएडीटी आपको यहाँ पर लेकर के आना है, उसका रिसीविंग एड्रेस। तो चलिए मैं रिसीविंग एड्रेस पहले ले लेता हूँ, फिर उसके बाद। तो डियर फ्रेंड आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ट्रस्ट वॉलेट है उसमें मिल जाएगी ट्रोन यूएडीटी, तो दोस्तों आपको इसी का एड्रेस चाहिए था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके रिसीविंग एड्रेस को आपको क्लिक करना है और कॉपी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप रिसीविंग एड्रेस को कॉपी कर लिए, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, ये जो रिसीविंग एड्रेस है इसको ऊपर में पेस्ट कर देना है, बैलेंस को ऑल कर लेना है, और आपको यहाँ पर मिनिमम आपकी फ़ीस लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर निकल का आया राज कि अब यहाँ पर आपकी एक यूएडीटी लगेगी फीस में। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा जब अमाउंट आपका हो जाएगा तभी आपको यहाँ पर विड्रॉल अपना लगाना है दोस्तों। अब मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको सब प्रोसेस करके दिखाया है। अगर आप इसको विड्रॉ लेना चाहते हैं एंटी टू कॉइन को, तो आप इसको विड्रॉ ले सकते हैं ओनली सिर्फ टोन वॉलेट में। अगर आप इसको यानी कि यूएडीटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इसको यूएडीटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब दोस्तों ये यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है, अब ये जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल जेन्युइन निकलता जा रहा है। अब दोस्तों इस पर मेरा जो ट्रस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। आपका इस पर ट्रस्ट क्या है, और आप इस प्रोजेक्ट को किस तरह से देखते हैं, आप यहाँ पर कमेंट जरूर करें दोस्तों, और अपनी राय जरूर दें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।